नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। प्रेम के कई सारे कहानी और किस्से आपने सुने होंगे। अपने प्यार को मंजिल तक पहुंचाने के लिए लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। एक ऐसी कहानी अब हमारे सामने आई है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आपको बताएं कि एक प्रेमी अपने प्रेमिका से मिलने के लिए 17 किलोमीटर साइकिल चलाकर जाता है। इतना ही नहीं, जब इस बारे में ग्रामीणों को पता लगती है, उन्हें ये पता चलता है कि वो प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए हर रोज आता है, तो इसके बाद ग्रामीण उन दोनों की शादी करवा देते हैं। आपको बता दें कि कई सारे किस्से प्यार मोहब्बत के हमने देखे हैं, सुने भी हैं, लेकिन ये एक अलग ही किस्सा जो है वो हमारे सामने आया, जब प्रेमी अपनी प्रेमिका से मुलाकात करने के लिए 17 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर जाता है। आपको बताएं कि ये मामला पश्चिम चंपारण का है, जहां रामनगर स्थित सभी भावल गोल बाजार में प्रेमी प्रेमिका से मिलने के लिए अपने गांव से 17 किलोमीटर साइकिल चलाकर अक्सर आया करता था। एक दिन वो लगातार इसी तरह साइकिल चलाकर आ रहा था, लोगों की जब नजर पड़ी तो दोनों के परिजन को बुलाया गया। परिजन शादी के खिलाफ थे, ऐसे में ग्रामीणों ने उन्हें समझाया और सबकी सहमति से प्रेमी जोड़े की मंदिर में शादी करा दी गई। 3 साल पहले सब ही भावलगोल बाजार की रहने वाली मंजू कुमारी अपने रिश्तेदार के यहाँ रामनगर के जुरा गांव में शादी में आई थी। भैरवगंज थाना क्षेत्र के बेलवा चखनी गांव का रहने वाला बबलू कुमार भी शादी में आया था। दोनों के बीच यही प्यार की शुरुआत हुई। दोनों पहले फोन से बात करते थे, धीरे धीरे दोनों गांव के नजदीक मिलने लगे। बबलू का घर मंजू के घर से 17 किलोमीटर दूर है, ऐसे में बबलू आए दिन साइकिल से यह दूरी तय कर मंजू से मिलने आया करता था। इस बात की खबर जब मंजू के घर वालों को लगी तो वे गुस्से में आ गए। ग्रामीणों ने मंजू के परिजनों ने बबलू को चेतावनी देकर छोड़ दिया। प्रेमी जोड़े की मुलाकात का सिलसिला लेकिन तब भी जारी रहा। आपको बताएं कि जब प्रेमी जोड़े के परिजनों को इसकी जानकारी हुई तो दोनों तरफ से मुकदमेबाजी हो गई। इधर प्रेमी जोड़ा शादी करने की जिद पर अड़ गए। इसके लिए कई दफा पंचायत भी बैठाई गई। भारी पंचायत में दोनों के साथ जीने मरने की कसम खाई गई। इसके बाद ग्रामीणों ने दोनों परिवारों के बीच हस्तक्षेप किया। परिजनों को समझाने के बाद गुरुवार रात प्रेमी जोड़े की शादी रामनगर प्रखंड के खटोरी शिव मंदिर में परिजनों की सहमति से करा दी गई। तो आपको बता दें कि कई बार जो है ये प्रेमी उससे मिलने के लिए आया करता था और उनके परिवार भी उन दोनों के इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन बाद में ग्रामीणों के कहने पर, ग्रामीणों के समझाने पर उनके परिजन शादी के लिए मान गए, जिसके बाद उन दोनों की वही शिव मंदिर में शादी करवाई गई। ऐसे में क्या कुछ कहना है उस प्रेमी का सुनवाते हैं। शादी किए हैं, दोनों आदमी प्रेम किए थे और 2-3 साल से हम लोग प्रेम करते थे और बहुत छुप छुप के मिलते थे और आज हम लोग आज प्रेम से शादी किए। आज हम लोग खटोरी मिले हैं, आज खटोरी आज मंदिर में शिव मंदिर जो है ना, आज वहीं हम लोग शादी किए हैं मंदिर में। आज बहुत अच्छा से शादी किए हैं हम लोग, आज कोई दिक्कत नहीं है। गार्जियन के इति से, व्यवहार से, प्रेम से आज हम लोग शादी किए हैं। तो अपने प्यार को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये प्रेमी हर रोज 17 किलोमीटर साइकिल चलाकर जाता था। आपको बताएं कि एक शादी के दौरान इन दोनों की मुलाकात होती है और उसी मुलाकात में इन दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है। अपने परिवार को लाख समझाने बुझाने के बावजूद जब परिवार वाले नहीं मानते हैं तो ये दोनों छुप छुप कर मिलना शुरू कर देते हैं। ऐसे में जब गांव वालों को इसकी जानकारी मिलती है, जब गांव वालों को ये पता चलता है कि ये लोग रोज मिल रहे हैं, ऐसे में गांव वाले ही लड़का और लड़की के परिवार वालों से बातचीत करते हैं और बाद में इन दोनों की शादी करवा दी जाती है। तो कई सारे किस्से और कई सारी कहानियां हमारे सामने आती है, लेकिन ये एक अलग तरह की कहानी हमारे सामने आई है, जब लड़का 17 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए हर रोज उसके गांव पहुंचता है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।